ओह दोस्तों, आ गए आप। कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्यारे होंगे, खुश होंगे अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले टॉपिक के बारे में ही मैं बताऊंगा इस बार भी। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ये, क्या नई बात बता रहा हूँ मैं? इंटरेस्टिंग होता है मेरा टॉपिक हमेशा, समझे? तो सबसे पहले बता देता हूँ कि टॉपिक क्या है। तो एक्चुअली टॉपिक जो है, आज के जो युग चल रहा है, सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो बता देता हूँ। एक्चुअली क्या करते हैं, दिन भर में सारे दिन फोन के ऊपर लगे होते हैं। इधर फोन, उधर फोन, ऐसे फोन, वैसे फोन, प्यारी सी सेल्फी, इधर से सेल्फी, अपने जैसे भी अच्छे से थोपड़े को जो है सारे दिन उस सेल्फी से बिगाड़ते रहते हो और अपने जो है फोन पे जो है लगे रहते हो और जो है बार बार में जो है अपना लेते रहते हो फोटोज वगैरह और फोन में फेसबुक हुआ, फेसबुक व्हाट्सएप हुआ और सारे दिन जो है लगे रहते हो इसको मैसेज करना, उसको मैसेज करना, उससे चैट करना और अपने फोन पे लगे रहते हो। तो उसी के साथ साथ दोस्तों क्या हुआ कि फोन को हेल्थ जो हमारा फोन है वो हमारे हेल्थ को खराब कर रहा है। उसको थोड़ा सा बचाने के लिए, देखिए पूरा इम्प्रूवमेंट मैं नहीं कर सकता, इसमें रेडियस किरणें आती है वो तो आती ही आती है, लेकिन दोस्तों आपकी आंखों के बचाव के लिए आज मैं एक ऐसा एप्लीकेशन लेकर आया हूँ। यदि आप खुद यूज करके देखोगे एक बार मेरे कहने से, मात्र 1.5 या 2 MB का ऐप होगा, आप मेरे कहने से एक बार प्लीज यूज करके देखिए, आपके आंखों को कंफर्टेबल फील ना हो, रात के टाइम पर ज्यादा यूज कीजिएगा, रात के टाइम पर जरूर इसको अप्लाई कर लीजिएगा। यदि आपको कंफर्टेबल फील ना हो तो कमेंट में जो चाहिए आप लिखिए, गाले जो भी आपको देना है, आप वीडियो को अभी डिसलाइक कर दीजिए, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी आपको करना हो कर सकते हैं, लेकिन एक बार प्लीज यूज करके देखिएगा। मैंने खुद ने जो है अभी भी यूज करता हूँ इसको। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप जल्दी को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन यानी घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए और जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाती सूचना मिलती रहे। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। है वो स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। तो अब क्या करेंगे कि आपका जो मोबाइल है आपकी आंखों को जो खराब करता है, वो आंखों को खराब कैसे करता है, वो साइंटिफिक रीजन आपको मैं बता देता हूँ। एक्चुअली वो आपकी आंखों को इस तरह से खराब करता है, जो आपकी फोन की जो सभी लाइट्स है उनमें से एक लाइट है ब्लू कलर, ब्लू लाइट, और ब्लू लाइट आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही घातक है, बहुत ही परेशान है, बहुत ही नुकसानदायक है, आपकी आंखों के लेंस को जो है बहुत ही ज्यादा खराब करती है। आप चाहे तो किसी आंखों के डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं कि ब्लू लाइट फिल्टर क्या होता है और क्यों हमारी आंखों को ये परेशान करता है, किस तरह से करता है, वो बहुत ही बड़ा साइंटिफिक रीजन है, तो उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो ब्लू लाइट को जो फिल्टर आपका जो स्क्रीन है वो ब्लू कलर को फिल्टर करके दे आपको और फिल्टर करके आपके जो आंखों को उपलब्ध करवाए और आपकी आंखों को बहुत ही रिलैक्स फील हो, उसके लिए क्या करना होगा, आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहां पर आपको लिखना है ब्लू लाइट फिल्टर और उसके लिए चांद का सा जो देख रहे हैं ना आप सामने आइकन, वो वाला इंस्टॉल कर लीजिए। आपकी स्क्रीन को थोड़ा सा जो पीलापन तो लाएगा लेकिन आपकी आंखों को इतना अच्छा रिलैक्स होगा, इतना अच्छा रिलैक्स, आप ज्यादा कम अपने हिसाब से कर सकते हैं, डे नाइट के हिसाब से। यदि नाइट थोड़ी ज्यादा है तो आप जो है कर सकते हैं अपने हिसाब से, ज्यादा जो है नाइट में हो आप अंधेरे में हो तो आपको थोड़ा जो है उसका जो है रेडियंस थोड़ा ज्यादा बढ़ा लेना है, यदि आप थोड़े उजाले में तो कम कर लेना है, लेकिन रखना जरूर है ब्लैक 2% पर रखो, रखना जरूर है वो ब्लू कलर को फिल्टर करके देखा और आपकी आंखों को खुद को आपको महसूस होने लग जाएगा। आप यूज करके देखिए आपको कितना रिलैक्स महसूस होता है अपने आपको में, एक बार यूज करते रहिए अच्छे से उजाले में और नाइट को यूज करके देखिए, आपको खुद को पता चल जाएगा वाह यार क्या रिलैक्स दे रहा है, कितना अच्छा ऐप है। आप खुद कहोगे, मैं नहीं कहता, आप खुद कहोगे और इसकी रेटिंग्स भी आप देख सकते हैं बहुत सारे जो है और भी देख सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं कि ब्लू कलर कितना आपको के लिए नुकसानदायक होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने आंखों का बचाव कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। तो भैया सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी होता है क्योंकि आपने भी सुना होगा पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख धन और माया। तो सबसे पहले अपने पहले सुख पर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ को जो है तैयार रखिए, उसके बाद में बाकी फोन पर आसी की जो भी आपको करनी है वो बाद में कीजिएगा। सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए वरना तो भैया पता ही नहीं चलेगा आसी की कहां पर भाग गई। तो सबसे पहले अपनी आंखों का, अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए, फोन को इस कदर भी यूज ना कीजिए कि आपके जो है आपको नुकसान दे दे। एक टेक्नोलॉजी चीजें है, टेक्निकल जितने भी चीजें उसको ज्यादा यूज मत कीजिए वरना आपके हेल्थ के ऊपर बहुत ही ज्यादा बुरा इफेक्ट ये डालती है। रेडियस किरणें भी आती है, आपने भी सुना होगा इस फोन से, जिनसे आप यदि फोन या लैपटॉप को अपने पास रख के सोते हो, पूरी रात अपने साथ रख के सोते हो तो आपको कितना नुकसान देती है आप सभी जानते हो। तो ऐसा भी बिल्कुल मत कीजिए, थोड़ा बहुत चलाए जो काम है वही कीजिए, टेक्निकल से रिलेटेड इसका यूज कीजिए, सही यूज कीजिए, लेकिन कुछ कामों के थ्रो में ज्यादा यूज करना होता है। तो कई तरीके हैं जिससे आप ये फिल्टर कर सकते हैं, तो इस तरह से आप अपने फोन का यूज बारीकी से जो है कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, और अपने प्यारे दिल की बातें जो भी क्वेश्चंस वगैरह है वो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए, और वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दीजिए प्रेस। तो दोस्तों मैं संदर आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।